इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, बोले मूसेवाला का 295 गाना सुना है आपने, हम उतनी सीटें जीत रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एग्जिट पोल पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी का पोल है, फैंटेसी पोल है। राहुल से जब रिपोर्ट्स ने पूछा कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, इस पर उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है आपने, 295, हम उतनी ही सीटें जीत रहे हैं। राहुल ने कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में नेताओं के साथ बैठक के बाद ये बयान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल बैठक में 4 जून को काउंटिंग के दिन की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है, अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। एक पोल में एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वही राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है, यहां भाजपा कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने के आसार है। ओडिशा, तेलंगाना में भाजपा दोगुनी सीटें बढ़ा सकती है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग खत्म हो चुकी है। शनिवार यानी 1 जून को 7वां और अंतिम फेज था। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया था। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। आचार संहिता से लेकर नतीजे जारी होने तक 80 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग हुई। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले गए। इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं, 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान हुए।